हे गाइस, अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र है तो आपको व्हाट्सएप की स्टेटस के बारे में ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पर जो हमारे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ये लोग व्हाट्सएप की स्टेटस डालते हैं, और इनमें से जब हम इनकी व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करते हैं तो यहाँ पर किसी का व्हाट्सएप स्टेटस हमें पसंद भी आ जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इनसे व्हाट्सएप स्टेटस को हमारे स्टेटस पर डालना, तो हम लोग सिंपली उसको रिप्लाई करते हैं कि हमें भी ये व्हाट्सएप स्टेटस सेंड कर दे, क्योंकि हमें भी ये डालना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इनसे व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे सेव कर सकते हैं, अपने स्टोरेज पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे यहाँ पर आपको डाउनलोड भी नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली आपके स्टोरेज पर सेव हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि यह कहां पर सेव होता है? नहीं पता है? आज की वीडियो देख लीजिए। आज की वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को यहां पर दो तरीका बताऊंगा। जो गाइस, एक है आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आप किसी भी तरह का व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हो। आपके फ्रेंड सर्कल में जिसने भी व्हाट्सएप स्टेटस दिया है उनकी व्हाट्सएप स्टेटस को आप डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका बताऊंगा वह गाइस आपके इंटरनल स्टोरेज पर ऑटोमेटिकली सेव होता है ये सारे स्टेटस, लेकिन आपको जो पता नहीं है कि ये कहाँ पर सेव होता है। तो आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को ये भी दिखाऊंगा कि ये स्टेटस कहाँ पर सेव होता है और आप लोग कैसे इन सारे स्टेटस को अपने स्टेटस पर शेयर कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एक व्हाट्सएप यूजर के लिए, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। हेलो गाइस, आई एम जयदीप एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जयदीप पर। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहला जो तरीका है वो है गाइस आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसका नाम है एमएक्स प्लेयर। तो इस ऑप्शन पर मतलब इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहां पर कई थ्री लाइन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो है गाइस व्हाट्सएप स्टेटस सेवर। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके फ्रेंड सर्कल में जिसने भी व्हाट्सएप की स्टेटस दिया है, इन सारे स्टेटस आपके सामने आ जाएगा जो रिसेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा। और उन सारे स्टेटस के ऊपर आपको एक छोटी सी मतलब एक साइड पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी दिखने को मिल जाएगा। तो सिर्फ आप उस डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके आप जब सेव्ड सेक्शन में चले जाएंगे उसके बगल में, तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा उन सारे स्टेटस को डाउनलोड किया हुआ स्टेटस को, और आप सिंपली इन सारे स्टेटस को यहां से अपने व्हाट्सएप पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड जो तरीका है वह है गाइस आपको अपने स्मार्टफोन की माई फाइल्स या फिर फाइल मैनेजर जो भी है इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स पर, एंड सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको सो हिडन फाइल्स की जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपके सामने जो भी हिडन फोल्डर था ये आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा जो है गाइस डाउनलोड व्हाट्सएप स्टेटस। तो इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर और भी कुछ फोल्डर मिल जाएगा। इन सभी फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको फाइनली दिखाया जाएगा आपके फ्रेंड की व्हाट्सएप स्टेटस, जिसने भी दिया है इन सारे व्हाट्सएप स्टेटस आपके इंटरनल स्टोरेज पर सेव हो जाता है। तो यहां से भी आप अपने किसी भी जो आपके मनपसंद व्हाट्सएप स्टेटस है उसको आप शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, ये थी वो दो ट्रिक, जिन दो ट्रिक की मदद से आप अपने फ्रेंड सर्कल की व्हाट्सएप स्टेटस को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज और भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।